हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। तो कैसे हो? इसको आईपीएल में चले गया, मिठाई उठाई तो दो थोड़ा। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। टोडू भाई मैं मोटा हूँ क्या यार? नहीं नहीं यार, मोटा थोड़ी है तू। कि टोडू भाई मोटा बिल्कुल नहीं है तू, सांड है, पूरा सांड। तो भाई लोग जितना मुश्किल रेलवे की चाय में चाय ढूंढना है ना, इससे भी ज्यादा मुश्किल धोनी भाई को आईपीएल फाइनल से दूर रखना है। बंदा भाई साहब कैसे ना कैसे पहुंच ही जाता है। मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। लोग तुम मानोगे नहीं यार, ये बंदा 10वां आईपीएल फाइनल खेलेगा, 10वां। असंभव भाई साहब, 10 फाइनल यार, यहाँ पे कोई एक नहीं खेल पा रहा कब से। गजब डूबी आवाज आती है। नमस्कार, देवी और विनोद कामलियो, आज हमारे साथ है बोले जो कोयल बागो के फेमस सिंगर। ये पागल है क्या? अरे अरे, ये तो पाकिस्तान के दूसरे अब्बू एमएस धोनी है। सबको हेलो भाई, आप फिर से आईपीएल फाइनल खेलने जा रहे हो, इस पे कोई विचार आपके? अगर हम आईपीएल खेल रहे हैं मतलब आईपीएल फाइनल तो पहले से डिसाइड हो चुका है। भाई हमारे रेगुलर व्यू आरसी वालों ने एक प्रश्न पूछा आपसे, कहते आरसी वाले फाइनल कैसे खेल सकते, इनके लिए कोई टिप? टिप यही टिप है, केजीएफ की बैटिंग डीप है, बाकी सब रेस्टिंग पीस है। बॉलर्स के लिए कोई एडवाइस? इधर आओ, बम मराओ। देखो भाई लोग, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, सीएसके ना पूरी फिक्स टीम है, के सब फिक्सिंग करते हैं यहाँ पे। क्या बात करते हैं? अरे मेरा मतलब है यहाँ पे सब फिक्स कर रहे हैं, कि चाहे सलमान की शादी हो या सुलेमान का तलाक, आईपीएल तो अपन लोग ही खेलेंगे। तो गया बेटे। विराट भाई देख रहे हो ना कैसे हर बार ही फाइनल खेला जा रहा है। मुझे कोई एक बार भी ला दे बात, मेरी ख्वाहिश है। अरे विराट भाई ऐसे मत करो यार, जीत जाओगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है अगले साला कप नंदे। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना, पिस्तौल हमारी जान तुम्हारी। भाई लोग आजकल खबर आ रही है कि बीसीसीआई वाले हर डॉट पॉल पे 500 पेड़ लगा रहे हैं। बीसीसीआई वालों अच्छा और राहुल भाई नहीं है, मैं कसम से बता रहा हूँ, अच्छे जंगल तो यही उगा देता। मैं बता रहा हूँ, राहुल भाई ऐसा काम करके जाते ना, तुमको पेड़ लगाने की जगह कम पड़ जाती। भाई लोग जितना मजा मिर्जापुर वाले बाबू को तेल मालिश में आती है ना, मजा अपने ऋतु भाई को जीटी के अगेंस्ट आता है, तोड़ फोड़ करके जाता है ये आदमी। मोमेंट है भाई, मोमेंट। ये तो लगता है जीटी वाले भी ना कल मरवाने के मूड में थे। बॉल डाल दी भाई साहब, अलग चूतिया पे मैच। मैं चूतिया हूँ। अरे तेरे भाई के लिए की बात है यार, आईपीएल का फाइनल क्या हल भाई? देख रहा है पाप? क्या भाई, आईपीएल फाइनल्स का बाप मैं रखता हूँ बोले जो कोयल बागों में। अरे माई भाई, आईपीएल फाइनल कैसे खेलते हम लोग को बता दो यार। चीकू उसके लिए टीम चाहिए। टीम तो हमारे टट्टी कहते हैं उसे। हमारी टीम जब बॉलिंग करती है ना साला, थूकने का मन करता है। अरे हाँ बेबी, सीएसके तीसरे छोड़ दिया, आरसीबी होती ना तो मार देता। ऐसा भेदभाव क्यों भाई? अबे क्या बोल रहा है तू? अरे माई भाई, साइड में ससुर जी बैट का ग्रिप लेके खड़े, यार बोलना पड़ेगा। तो फिर ठीक है। हाँ हाँ, गलती से बैट का ग्रिप अंदर मत ले लेना, क्यों उससे क्या होगा, स्वर्गवासी हो जाएगा तू। अरे अंबानी जी फिक्सिंग छोड़ दो यार। हाँ हाँ, सिर्फ हमारे मैच में करा करो। अरे गंभीर भाई, आम का हाथ मेरे सर पर, मैं क्वालिफायर और कोई घर पर। रोहित एक काम करेगा मेरा। हाँ बोल। इसके बम में विस्फोट करेगा थोड़ा, बड़े शौक से। साले के फटके चार टुकड़े होने चाहिए। वड़ा पाव खाओ मिर्ची संग, तेरे बम में फटेगा आज आइटम बम। भाई लोग जैसे तुम जानते हो आईपीएल तो चली रहा है, पर इस आईपीएल सीजन में जीत सकते हो लाखों रुपए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी आपको डाउनलोड करना है, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है और लाखों में जीतो, क्योंकि इंडिया के इजीस्ट फैंटेसी क्रिकेट ऐप है। और इस ऐप पे वो फालतू स्पोर्ट्स नहीं मिलती है, आपसे क्रिकेट फैंस के लिए बनाया गया। यहाँ पे आपको 1 करोड़ जीतने के सपने दिखाए जाते हैं, यहाँ पे सच में पैसे जीते जाते हैं। तक इस ऐप से 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लाखों में कैच जीता है। जाओ और इनका ऐप डाउनलोड करो, ज्वाइन करो इनका फ्री कॉन्टेस्ट, जहाँ पे 20,000 रुपए तक जीत सकते हो। आपको डिफरेंट तरह के कॉन्टेस्ट मिलेंगे, जो आप ज्वाइन करके लाखों जीत सकते हो। जाओ और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, जाके आपको डाउनलोड करो, अपनी टीम अभी बना लो। और हाँ, मेरा प्रमो क्रिक यूज करना मत भूलना, जिससे आपको 500 का बोनस मिलेगा। पर माय भाई ये क्या था, मान आप फास्ट हो पर इतने भी फास्ट मत बनो यार, तो 5G की स्पीड से भी फास्ट निकल गए यार, हट से आए फुट से निकल गए भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अरे भाई लोग तुम लोग कुछ भी बोलो यार, रान है भाई को मानना पड़ेगा। जब से बंदे का सिलेक्शन हुआ ना, बंदे ने 1 रन ज्यादा नहीं बनाया। ऐसे भाई का सिलेक्शन हुआ ना, भाई ने तो सीधे सीधे बोल दिया, मेरा तो हो गया, आप अपना अपना देख लो। गुजरात वालों मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट मारा तुमने? ऐसा अपडेट मारा पूरी बैटिंग लाइनअप चेंज हो गई यार। अपने शंकर भाई ने नंबर 3 पे रन बनाए थे, नंबर 6 पे बैटिंग करने आए बंदा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो तो गिल भाई के सामने सीएसके वाले थे इसलिए छोड़ दिया, अगर आरसी वाले होते ना घर पे होते। ये गड़बड़ है बाबा। सीएसके बॉलर जीटी बैटर्स ऐसा भलक तक दुख पिलाया, इसके तो इसलिए जाने दिया, आरसीबी होती तो अब तक हार चुकी होती। सुमन गिल भाई ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। हार्दिक पांड्या, मैं तो 1 डाउन ही आऊंगा चाहे टीम हार जाए। सॉरी सॉरी सॉरी। वो भी क्या दिन थे जब हार्दिक भाई गेम फिनिश किया करते थे। डॉट बॉल ग्रीन प्लांट, खुशी मानो मैं इंजर्ड हूँ, नहीं होता तो पेड़ लगाने की जगह कम पड़ जाती। मतलब केएल भाव जाते जाते एक काम तो अच्छा करके जाते, ऋतुराज गायकवाड़ अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, इस ऋतुराज के बच्चे कुछ करना पड़ेगा। और नो बॉल डालो ना, मारेगा नहीं क्या आदमी, कैसे बात करते हो यार। एमएस धोनी गुजरात की विनिंग स्ट्रीक तोड़ने का घमंड है, मालूम है तेरे बाप को। मतलब है एमएस धोनी और फाइनल के बीच में कोई नहीं आ सकता। शुभमन गिल जब आरसीबी को एलिमेंट करना हो, शुभमन गिल जब सीएसके को फाइनल में पहुंचाना हो, अरे यार तुम समझते ही नहीं हो। उधर भाभी का लफड़ा थोड़ा ससुर जी को इम्प्रेस करना था ना। सीएसके बंदे मैच इंटर द फाइनल, विराट कोहली यहाँ पे एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हो, ये साला घोड़ी पे घूम रहा है।
इतने सालों से लगे पड़े हैं, एक फाइनल नहीं खेला जा रहा, ये बंदा 10-10 फाइनल खेल के बैठा है। उन्हें जा रहा हूँ, अगर चेन्नई जीते तो उठा देना वरना दफना देना। ईटी चेन्नई से कभी हारी नहीं थी, पर मेरे को लग ही रहा था चेन्नई तो जीतेगी भाई। सीएसके इन फाइनल्स परमानेंट हूँ सर, क्या करूं मैं, मर जाऊं। सारी टीमें लड़ते झगड़ते पहुंचती है सीएसके से फाइनल खेलने के लिए, बताओ। राशिद खान 30 रन, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। हेलो, तुम कुछ बनो, राशिद भाई बैटिंग तो करते है यार, मतलब कहाँ कहाँ से मार देता है ये बंदा। जिंग के रहा भाई, मेरा काम निकल गया, अब तुम अपना अपना देख लो। मतलब यार तुम बंदे की प्लानिंग देखो, जब से सिलेक्शन हुआ ना एक रन ज्यादा का नहीं बना है भाई। आज मैं आपका लकी नंबर स्कोर करके आया, बन जाएगा। क्या बात है हार्दिक भाई, क्या ही बात है, ऐसी लगे रहो। सीएसके क्वालिफायर 1 फाइनल, तू जा तू जा तू जा। सबकी फटी पड़ी है भाई, कोई नहीं जाने को राजी है। नहीं बदला यार, अभी भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बात तो सही है। मेरे धोनी भाई का लास्ट आईपीएल है ना, मैं तो धोनी भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ। धोनी भाई आईपीएल जितने कुछ मांगता अपने को। एमएस धोनी एम्पायर कितने में डील फिक्स हुआ होगा गाइस, मतलब साला एम्पायर से 2 मिनट बात के कर लो, इनको सब कुछ फिक्सिंग ही लगता है यार। देखा अपने नो बॉल डालने का नतीजा, बहुत तो भाई भी सोच रहे हैं अब तो पेल नहीं पड़ेगा और मैन ऑफ द मैच लेके चले गए यार। चामी डॉट बॉल, अगर केएल राहुल की डॉट बॉल पर एक पेड़ लगता ना तो आज उसका खुद का अमेजन फॉरेस्ट होता। अमेजन फॉरेस्ट अभी देखो ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है एक अमेजन फॉरेस्ट नहीं होता, दो होते। सुना है डॉट बॉल खेलने पर बीसीसीआई पेड़ लगा रही है। कौन भी भाई माना पेड़ लगा रही है, पर ऐसे नहीं कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। आरसीबी फैंस पता है हम टूर्नामेंट कहाँ हारे, इस साल कप नहीं। आरसीबी वालों छोड़ो यार, अगले साल देख लेंगे, अभी कमेंट में लिख दो अगले साल कप नाम।